So good evening friends, we are having this live session here, okay. So I would like to ask one thing, whether you are comfortable with the recorded sessions or should we take more live sessions? So एक सवाल आपसे पूछना है कि आप रिकॉर्डेड सेशन से ज़्यादा खुश हैं या फिर लाइव सेशन जो है हम लोग और कंडक्ट करें. So please do comment in the comment section. So we will be starting up this session. And when you talk about Sangam literature, okay, this is your, you know, 5th session. And when you talk about Sangam literature, so Cheras, Cholas और Pandyas के बारे में हम लोग यहाँ पे ज़रूर बात करते हैं. एंड यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट मैप्स. मैप्स के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए क्योंकि चेरा किंगडम की अगर हम बात करें सो ये बेसिकली आज के डेट में केरला की कोस्ट पे है. दिस इज योर चोला किंगडम. चोलाज एंड पांड्याज मोर और लेस यू कैन टॉक, यू कैन से दैट ये जो है तमिलनाडु की कोस्ट पे रहता है. सो दीज आर द फंडामेंटल थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस. तो हम लोग कुछ सवाल जो हैं वो अब यहाँ पे करेंगे एंड सब्सिक्वेंटली उन सवालों के बाद जो है हम लोग संगम लिटरेचर के थोड़े से जो है इन्फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे. संगम लिटरेचर के थोड़ा जो पढ़ना चाहिए एग्जाम सेंट्रिक वो कवर करेंगे. आफ्टर दैट वी विल डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑल्सो. संगम लिटरेचर से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम लोग कवर करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन महासमाता, ओके, वॉज कौन थे ये महासमाता? अब ये जो है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग है. सो ये सवाल कुछ ऐसे बनता है, ठीक है ना. बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स यूपीएससी ने पूछे हैं. मोहित गुड इवनिंग. माया शंकर बायलिंगुअल रखिएगा सर. डेफिनेटली सर, डोंट वरी माया शंकर जी, बायलिंगुअल रहेगा. सो अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन महासमाता कौन थे ये सवाल बनता है. देखो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर. संगम लिटरेचर के अंदर हम कभी भी जो है यहाँ पे आगे पीछे नहीं जा सकते इसके अंदर. मतलब इसमें जो है अगर आपको याद है तो याद है, आप आंसर करेक्ट करोगे. सो लिटरली द ग्रेट इलेक्ट, महासमाता का मतलब है द ग्रेट इलेक्ट महासमाता वॉज द फर्स्ट मोनार्क ऑफ द वर्ल्ड. अब द क्रॉनिकल्स ऑफ थारवाड़ा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, ओके, थारवाड़ा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, उसके यहाँ पे क्रॉनिकल्स है महावंशा और महायजाविन. उनके अकॉर्डिंग जो है ये बात की गई है महासमाता जो है फर्स्ट मोनार्क ऑफ द वर्ल्ड थे. अब ये टर्म हमें याद रखनी है. नाउ ही वाज द फाउंडर ऑफ साक्या डायनेस्टी, उसके फाउंडर भी थे, टू विच द हिस्टोरिकल बुद्धा बिलोंग. सो महासमाता जो टर्म है वो एक तरीके से फर्स्ट मोनार्क ऑफ द वर्ल्ड के लिए यूज की गई है. सो गुड इवनिंग दमन. So with reference to Shraman tradition, consider the following statement. अब ये Shraman tradition होता है. Shraman मतलब जो wanderers होते थे, जो घूमते थे, ओके, अपना घर बार छोड़ के, वो लोग Shraman tradition के अंदर आप mainly जो है count करते हो. अब ये layman terms में हम इसको ऐसे याद रखते हैं. Now इनसे रिलेटेड टर्म्स हैं तो आप इसके अंदर बताइए कौन सी टर्म सही है. Now it was a Vedic movement in ancient time. Ajivikas and Charvakas were a part of this movement. Third statement कह रही है कि भक्ति cult originated from this movement. Now I am asking this thing from you. जो वैदिक मूवमेंट था that was highly ritualistic. वो तो काफी रिचुअल्स होते थे उसके अगेंस्ट. तो अगर आपको ध्यान हो तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये जो रिलीजन आए हैं ये बेसिकली रिचुअल्स के अगेंस्ट ही थे और श्रवण ट्रेडिशन भी इसीलिए निकला हुआ था. सो वैदिक मूवमेंट का पार्ट ये नहीं हो सकता है. दूसरी चीज आप समझें, आजीविकाज और कार्वकाज जो हैं वो डेफिनेटली इसी मूवमेंट का पार्ट थे. भक्ति कल्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस मूवमेंट ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. सो only 2 is the right answer. So this is the explanation. We are going to learn few things about it. Now the term refers to the several Indian religious movements. बहुत सारे religious movement parallel चले थे हमारे यहाँ पे. और श्रमण tradition की जब हम बात करते हैं it majorly includes Jainism, Buddhism and others such as Ajivikas, Ajnanas और Karvakas. श्रमण हैड अ व्यू ऑफ संसारा फुल ऑफ सफरिंग. इनको लगता था कि संसार में बहुत दुख है, ओके. सो दे प्रैक्टिस्ड अहिंसा एंड रिगरस एसेस्टिसिज्म. दे बिलीव्ड इन कर्म एंड मोक्ष. तो कर्म और मोक्ष के अंदर वो लोग जो है बिलीव करते थे, दे व्यूड रीबर्थ एज अनडिजायरेबल, भाई दोबारा हमें पैदा नहीं होना, हमें मोक्ष चाहिए, इस चीज़ की ये डिमांड करते थे। जैसा मैंने आपको बताया वेद जो थे उसके अंदर तो बहुत रिचुअल सेक्रीफाइसेस होते थे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो वेद और रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशन के अगेंस्ट जाती थी। और श्रमनिज्म भी ये कहता है कि आप हार्ड वर्क कीजिए, आप डिसिप्लिन लाइफ लेके आइए। सो और जो दो थे उसकी हम बात करते हैं, तो वन वाज ब्राह्मणिज्म, ओके, और जो थर्ड हुआ था उसके अंदर भक्ति कंसेप्ट आता है। सो भक्ति कंसेप्ट और श्रमनिज्म और ब्राह्मणिज्म ये तीनों अलग अलग हैं, ओके, दैट्स व्हाई भक्ति वाज नॉट अ पार्ट ऑफ श्रमण ट्रेडिशन। ये कंसेप्ट आपको एज इट इज समझना होगा। नाउ कंसीडर द अनदर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ओके, अब ये महाजनपद हैं और उनकी कैपिटल हैं, ये महाजनपद है और उनकी कैपिटल है। देखो मैंने आपको जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था देन ऑल्सो आई टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग दैट मैच द फॉलोइंग कैन बी आस्क्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच द फॉलोइंग है, और अगर आपने पढ़ रखा है तो ही आप इसका सही आंसर दोगे। तो वाजी की अगर हम बात करें, ओके, सो वाजी यहाँ पे ढूंढिए, ये है आपका वाजी और उसकी कैपिटल है वैशाली। सो वी से वी याद करना भी आसान है, इट इज ईजी टू रिमेंबर दैट। अब छेड़ी की बात करें, ओके, अब छेड़ी की बात करें, छेड़ी की कैपिटल जो थी वो थी सोथीवती, ओके, और बांदा जिसको बोल सकते हो आप। अच्छा यहाँ पे अलग दे रखी है पोटाना। अब अश्मका की बात करें, अश्मका की जो है कैपिटल आपकी क्या दे रखी है, अश्मका की कैपिटल देखिए प्राथिस्तान और पायथन, ओके, सो ये गोदावरी के आसपास का रीजन है। अब आप एक चीज समझो, यहाँ से ये दे रखी है, अब दो गलत हो गई, ओके, और दूसरी चीज होती है एलिमिनेशन। अब एक बात आप समझो कि वाजी और वैशाली अगर आपको पता है कि करेक्ट है तो मतलब या तो ए आंसर होगा या डी आंसर होगा। देखो एलिमिनेशन करना आना चाहिए, इस पेपर के अंदर सारे ऑप्शन हमें नहीं मालूम होते हैं। देखो या तो ए आंसर होगा या फिर डी आंसर होगा। दूसरी चीज, अगर आपको हल्का सा भी ध्यान है अश्मका की कैपिटल या छेड़ी की कैपिटल के बारे में तो आप इजीली दो और तीन को एलिमिनेट कर लोगे कि ये गलत है और ओनली वन आपका आंसर हो जाएगा। So these are some ways we do things, okay? So Maya Shankar Vaishali Bihar, yes, okay. So this whole map, this whole thing you have to understand. ये सारी की सारी चीज़ें याद रखनी है थोड़ी आपको। मैंने जब एक्सप्लेन कर रहा था तब भी आपको कहा था एटलीस्ट जो है आप थोड़ी बहुत चीज़ें याद रखें, ओके, 5-6 के बारे में तो आपको याद होना ही चाहिए। Now another question is दक्षिण पथ and उत्तर पथ were, ये क्या थे दो? So, पहली स्टेटमेंट कह रही है कि टू हाईवेज दैट हैव कनेक्टेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सिंस द आयरन एज। दूसरी कह रही है कि पाली ट्रांसक्रिप्शन थे बुद्धिज्म के अलग अलग सेक्ट्स के, और बाकी ये टर्म्स ऐसी दे रखी हैं। तो मेनली हम सीधा सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखो दक्षिण पथ इज अ हिस्टोरिकल विच हैज यूज्ड टू डिस्क्राइब द ग्रेट सदर्न हाईवे। अब ये ग्रेट सदर्न हाईवे था ट्रेवलिंग फ्रॉम मगध टू परिस्थाना, ओके, प्रतिष्ठाना, मगध से लेके प्रतिष्ठान तक जो है ये दक्षिण पथ था। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इसके अंदर अगर मुझे क्वेश्चन बनाना होगा तो मैं यहां बनाऊंगा क्वेश्चन। देखो दक्षिण पथ उत्तर पथ ये सबको मालूम होता है कि दीज आर द हाईवेज, ओके, कि ये हाईवे थे उस टाइम के, ये सबको मालूम होता है। लेकिन हाईवे कहां से कहां थे ये आपको जानना बहुत जरूरी है, वहां पे कंफ्यूजन एग्जामिनर क्रिएट कर सकता है। सो मगध से लेके प्रतिष्ठान तक जो है ये आपका दक्षिण पथ जा रहा है। उत्तर पथ की अगर हम बात करें तो वो जो है तकसीला इन अफगानिस्तान से लेके आपके पंजाब से होते हुए वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यमुना तक जो है ये जाता था, ये आपका उत्तर पथ था। एंड यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग अबाउट बोथ ऑफ देम, थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। अब अगली चीज पे चलते हैं, कुल संघा मेंशन्ड बाय कौटिल्य इन अर्थशास्त्र इज व्हाट। अब आप बताइए कुल संघ क्या है, ये आपके अर्थशास्त्र के अंदर मेंशन्ड है और ये आपको मालूम होना चाहिए। देखो इसके अंदर तुक्का नहीं लगेगा, अगर आपको पता है तो आप इसका सही आंसर दोगे। कुल संघ जो है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता था उस टाइम पे, ओके, तो ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। देखिए अर्ली साउथ इंडियन किंग्स जो थे वो काफ़ी चीज़ें करते थे अपनी ट्राइबल लॉयल्टीज़ को लेने के लिए, अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे, अपने लोगों का इस्तेमाल करते थे, अपनी फैमिली का इस्तेमाल करते थे, और चेरा किंगडम के अंदर जो है ये देखा जाता था, ओके। सो कौटिल्य हैज़ रेफर टू दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज अर्थशास्त्र, इसको कुल संघ उन्होंने बताया है, कुल संघ के नाम से इसका टर्म जो है उन्होंने यूज किया है। अब ये आपको पता लग गया। अच्छा, सो इट वॉज पर्टिकुलरली ट्रू ऑफ चोला किंग कराइकल. ओके, कराइकल जो है वो उन्होंने काफ़ी समय तक राज किया था यहाँ पे, और ये सारी जानकारी उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं की जो है जीवन यापन जैसा उन्होंने किया उसके हिसाब से हमें पता लगती है. अब हम आगे चलते हैं. इन द मेडिवल टाइम्स महामंडलेश्वरा. ओके, महामंडलेश्वरा वॉज अ टर्म ऑफन यूज्ड. अब आप बताइए महामंडलेश्वर किस लिए इस्तेमाल होती थी. देखो इसके अंदर तुक्का नहीं लग सकता, मैं आपको पहले बता रहा हूँ. सो महामंडलेश्वर समांताज हु गेन्ड पावर एंड वेल्थ टू ओवर पावर्ड देयर लॉर्ड्स, ये बोलते थे महामंडलेश्वरा. सो बाय 7th century देर वर बिग लैंड लॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स थे जिन्होंने एक तरीके से अपने राजा की बात माननी बंद कर दी थी, और इनको महामंडलेश्वर कहते थे. एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नोलेज देम एज देयर सबॉर्डिनेट्स, और समांताज उनको बोलते थे, लेकिन बाद में एक तरीके से इन्होंने अपना ही राज्य वहां पे स्थापित कर लिया था, अपना ही राजपाट जो है वो करने लगे थे. ये है आपके महामंडलेश्वरा, ठीक है ना, मिडिवल टाइम पे. अब संगम एज की बात करते हैं. तो एज आई टोल्ड यू, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सम फैक्चुअल थिंग्स, पूरे की पूरी फैक्चुअल थिंग्स करेंगे अब यहाँ पे. सो संगम, जब तमिल किंग्स ऑफ संगम पीरियड इशू गोल्ड कॉइन्स, ये पूरी की पूरी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना. बट दे आर नॉट फाउंड इन लार्ज नंबर्स. रोमन कॉइन्स मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर्स आर फाउंड ऑल ओवर तमिलनाडु. ओके, मीन्स इसका क्या मतलब है कि रोम के साथ हमारा ट्रेड होता था. दीज कॉइन्स फर्दर कन्फर्म्स द ट्रेड रिलेशन बिटवीन तमिल कंट्री एंड रोम, ठीक है. Capital of Chola kingdom was Kaveripatnam. The kingdom which later came to be known as Cholamandalem इसके लिए इस्तेमाल करते थे. It was situated between Pennar and Vilavar rivers. Now ये important है, देखो कौन सी दो river के बीच में थे, Pennar और Vilavar river, इनके बीच के एरिया को हम जो है चोला किंगडम इनके बीच में एग्जिस्ट करता था, ये पता लग गया. देयर चीफ सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर वॉज उरैयूर. ओके, उरैयूर जो है वो चीफ पॉलिटिकल पावर का एक सेंटर था एंड वाज फेमस फॉर कॉटन ट्रेड. कॉटन ट्रेड भी वहां पे होता था. ओके, अर्लियर देयर कैपिटल वाज अरियूर, पहले उसकी कैपिटल भी अरियूर होती थी, ठीक है ना, ये पता लग गया हमें. सो बाय द मिडल ऑफ 2nd BC अ चोला किंग नेम एलारा कॉन्कर्ड द श्रीलंका एंड रूल्ड ओवर इट. ओके, अब देखो किसने श्रीलंका के ऊपर जीत दर्ज की, बहुत सारे किंग हैं, ठीक है ना, एक ये एलारा अकेला नहीं था, बहुत सारे के नाम आएंगे, यू विल कम टू नो, आपको पता लगेगा बहुत सारे किंग्स हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना. एलारा वाज वन ऑफ देम और ये चोला डायनेस्टी को बिलोंग करता था, ये फैक्ट आपको याद रखना है. द रियल फाउंडेशन ऑफ द किंगडम वाज लेड डाउन इन 2nd century AD बाय फेमस किंग कराइकल. अब ये कराइकल जो है ये बड़ा फेमस किंग था और इन्होंने पूरा एक तरीके से आपकी एम्पायर को जगह दी वहां पे. ही फाउंडेड द सिटी ऑफ पुहर and constructed 160 km embankments along the Kaveri river. अब सपोज करो मुझे क्वेश्चन बनाना हो तो मैं लिखूंगा ही कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट अलोंग कावेरी रिवर. कावेरी रिवर के अलोंग एम्बैंकमेंट बनाई इन्होंने, ठीक है. और एक दो फैक्टर बता दूं, अब आपको बताना कि आइडेंटिफाई द रूलर, किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है ना. तो 3-4 नाम होंगे उसके अंदर, कराइकल, अमोघ वर्ष, इस टाइप की चीजें. रेणुका गुड इवनिंग. सो दिस इज व्हाट यू कैन डू. ओके, इस तरीके से आप कर सकते हो कि पुहर नाम का सिटी उन्होंने बसाया, 160 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट जो है वो इन्होंने बनाया कावेरी रिवर के ऊपर, और कराइकल इनका नाम था, ठीक है जी, ये पता लग गया. ही डिफीटेड अ कन्फेडरेसी ऑफ अबाउट अ डजन ऑफ रूलर हेडेड बाय चेराज एंड पांड्या किंग्स इन अ ग्रेट बैटल ऑफ वेनी. अब अगला सवाल आपको जो ध्यान रखना है वो है कि ग्रेट बैटल ऑफ वेनी जो है वो जीता कौन था. तो ये जो है चोला रूलर कराइकल जो है उसने इसे जीता था. ओके, कराइकल ने इसको जीता था, इसने सबको हरा दिया था. कराइकल मेंटेन्ड अ पावरफुल नेवी एंड कंकर्ड श्रीलंका. सो पहला जिसने श्रीलंका के ऊपर कब्जा किया था वो थे इल्लारा, उसके बाद दोबारा कराइकल आ गया, इन्होंने दोबारा श्रीलंका के ऊपर कब्जा कर लिया. दूसरी चीज, पुहर हैज बीन आइडेंटिफाइड विद कावेरीपट्टनम विच वॉज द Chola capital. It was a great center of trade and commerce. ठीक है. The successors of Karaikal were weak, काफी weak थे, और subsequently the kingdom declined. और उसके अलावा चेराज और पांड्याज के इनके ऊपर अटैक भी होते थे, ठीक है जी. चेरा किंगडम की बात करते हैं. ओके, चेराज वर नोन एज केरला पुत्राज. ओके, इनको केरला पुत्रा के नाम से जाना जाता था और केरल की कोस्ट के पास इनका किंगडम था, ठीक है जी. तो कैपिटल ऑफ द चेरा किंगडम वॉज वंजी और करूर, इनकी कैपिटल थी वंजी और करूर. अच्छा, सपोज करो मेरे को मैच द फॉलोइंग बनाना हो, ओके, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन बनाऊंगा तो चेरा, चोला, पांड्या तीनों की कैपिटल में आगे पीछे कर सकता हूं ना, तो इसलिए आप पूरी चीजें याद रखना है इनको, ठीक है जी। अगली बात जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट आपको याद रखना है, दैट इज दिस, उडियन जरल इज वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन एज चेरा रूलर्स। ओके, उडियन जरल नाम का बढ़िया एक राजा था। दिस टाइटल ऑफ उडियन जरल वॉज गिवन टू हिम बिकॉज इट इज सेड दैट ही सर्व्ड बोथ द आर्मीज ऑफ कुरुक्षेत्र वॉर्स। अब उडियन जरल जो है इसीलिए उपाधि दी जाती थी। And Romans are said to have set up 2 regiments in the Chera country. Okay, मुजीरीज करके एक पोर्ट है, वहां पे जो है रोमन्स ने अपनी रेजिमेंट जो है वो वहां पे रखी थी। नाउ देयर इज रेफरेंस दैट इंडिकेट्स दैट रोमन बिल्ट अ टेम्पल ऑफ ऑगस्टस एट मुजीरीज। मुजीरीज के अंदर जो है टेम्पल ऑफ ऑगस्टस जो है वो रोमन्स ने बनाया था, ठीक है ना। ये फैक्ट आपको याद हो गया। अब मैं सवाल बनाऊं, ये तो चेरा किंगडम की बात हो रही है, देखो ये फैक्चुअल चीजें याद है और याद होनी चाहिए। सो ग्रेटेस्ट किंग ऑफ डायनेस्टी वो सेनगुट्टुवम। सेनगुट्टुवम ग्रेटेस्ट किंग था, और चोला का ग्रेटेस्ट किंग कराइकल, इनका चेरा का ग्रेटेस्ट किंग हो गया सेनगुट्टुवम, ठीक है जी। ये पता लग गया आपको, चलो। सो ही वॉज रिमेम्बर्ड फॉर बिल्डिंग एन टेम्पल ऑफ कनगी द गॉडेस ऑफ चेस्टिटी एंड फाउंडेड द फेमस पत्नी कल्ट। ओके, अब ये भी अपने आप में एक सवाल बन सकता है कि हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द पत्नी कल्ट, या फिर मैं आपको ये बताऊं कि आइडेंटिफाई द रूलर, उसके अंदर मैं 3-4 चीजें लिखूं और एक पॉइंट ये लिखूं कि ही फाउंडेड द पत्नी कल्ट, और उसके अंदर नाम होंगे 3-4, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई। ओके, तो ये सवाल ऐसे हम बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं पांड्या किंगडम के ऊपर। सो कैपिटल ऑफ पांड्या किंगडम वॉज एट मदुराई। रेफरेंस ऑफ पांड्याज आर फाउंड इन द संगम लिटरेचर। द टेक्स्ट ऑफ मेगस्थनीस, ओके, मेगस्थनीस के बारे में भी, मेगस्थनीस का टेक्स्ट भी ये बात कह रहा है, हु स्पीक्स ऑफ इट बीइंग रूल्ड बाय अ वुमन। सो मेगस्थनीस के टेक्स्ट से आपको ये पता लगता है कि यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो राज करती थी। इट हैड फ्लरिशिंग ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद रोमन एम्पायर, ओके, और सेंट एम्बेसीज टू द रोमन एम्परर अगस्तस। अगस्तस के पास इन्होंने अपने एम्बेसी भी भेजे थे, ठीक है जी, ये पता लग गया। अब यहाँ पे आप एक बात समझो, मुडुकडुमी, ओके, मुडुकडुमी, मुडुकडुमी ये नाम याद रखना। मुडुकडुमी वॉज द अर्लीस्ट नोन एज पांड्या रूलर, ओके, ही वॉज द अर्लीस्ट नोन पांड्या रूलर मुडुकडुमी। एंड नेडुजेलियम, ओके, नेडुजेलियम वॉज मोस्ट इंपोर्टेंट किंग ऑफ पांड्या। नेडुजेलियम जो है पांड्या का इंपोर्टेंट किंग था। ही एक्यूज्ड कोवलम ऑफ द थेफ्ट। As a result, the city of Madurai was laid under a curse by Kannagi. तो ये पूरी कहानी है कनगी और कोवलम की, और नेडुजेलियम जो है नाम आपको याद रखना है। अब सोशल लाइफ की बात करें तो ब्राह्मीन एंड नॉन ब्राह्मीन सोसाइटी थी उस टाइम पे। सो तमिल ब्राह्मीन्स वर अ रिस्पेक्टेबल एंड लर्नड कम्युनिटी, ये उस टाइम पे होता था। ट्रेड वॉज कॉमन टू वैश्याज, विलाज, ओके, ये ट्रेडिंग कम्युनिटी होती थी। देयर हैव बीन नो पॉजिटिव एविडेंस ऑफ स्लेवरी, कुछ पक्का नहीं है कि स्लेवरी थी कि नहीं थी, ओके, सर्वेंट्स जरूर वहां पे होते थे। अनटचेबिलिटी वॉज प्रैक्टिस्ड एंड दे वर नोन एज परियाज। अब ये टर्म आपको याद रखनी है, देखो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी स्टार्ट हो जाएंगी एंड यू हैव टू रिमेंबर दीज टर्म्स, ओके, ये टर्म्स आपको सारी की सारी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। एजुकेशन वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई जाती थी। नाउ इकोनॉमिक टर्म्स की अगर हम बात करें, सो संगम इकोनॉमी वॉज सेल्फ सफिशियंट। लैंड वॉज क्लासिफाइड एज वैनपुलम, ओके, तो वैनपुलम टर्म जो है वो एक लैंड के यूनिट के रूप में है, ठीक है ना, जिसको नॉन एग्रेरियन लैंड बोलते थे। ऑन मैनपुलम ये आपकी एग्रेरियन संगम लैंड होती थी। वैनपुलम वी आ गया, मतलब कोई भी एग्रेरियन रीजन नहीं है। देखो इसका याद करने का तरीका है, वन, वन पुलम है, वन मतलब जहाँ पे फॉरेस्ट हो, और फॉरेस्ट के अंदर खेती आप स्टार्टिंग में तो नहीं कर सकते, या तो फॉरेस्ट काटना पड़ता है। और मैन पुलम मतलब जहाँ पे मैन जाके काम कर सके, वो एग्रेरियन संगम हो गया, ठीक है, ये पता लग गया। एंड रेफर्स टू उलावर एंड टोलूवर, ओके, सो उलावर और टोलूवर्स जो है ये एक तरीके के पीजेंट्स होते थे, फार्मर होते थे, जो वहाँ पे जाके काम करते थे। सो टैंक इरीगेशन, आयाम एंड माइनर डैम, सिनाई इरीगेशन वॉज एम्प्लॉयड, इसका यूज होता था। कराई जो है वो लैंड टैक्स होता था। इराई जो है वो ट्रिब्यूट पेड बाय फ्यूडेटरीज एंड बूटी कलेक्टेड इन वॉर। अराई जो है वो ट्रिब्यूट दी जाती थी फ्यूडेटरीज जो होते थे उन द्वारा। उलगर वॉज द कस्टम ड्यूटी। इरावू वॉज एक्स्ट्रा डिमांड और फोर्स्ड गिफ्ट। ओके, अभी अलग अलग चीज पता लगी आपको। अब आगे देखिए, पत्तिनम वर द सेंटर्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। अब ये पट्टिनम जो है ये वर्ष दे वर द सेंटर्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, ये पता लग गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखो अगर आप प्रीलिम्स का ट्रेंड देखोगे तो उन्होंने जो है ब्रिटेन, जो ब्रिटिश थे वो क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट करते थे, वो क्या क्या चीजें ट्रेड करते थे, ये क्वेश्चन पूछा है। अब मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि संगम लिटरेचर के टाइम पे क्या क्या चीजें ट्रेड की जाती थी। सो मेनली एग्री प्रोडक्ट जो होते थे, पैडी, जिंजर, टर्मरिक, पेपर, शुगर के, इनको ट्रेड किया जाता था। चोला कैपिटल उरैयूर वॉज फेमस फॉर ट्रेड इन कॉटन। बार बार आ रही है ये बात कि कॉटन के लिए उरैयूर जो है वो फेमस था और ये चोला कैपिटल थी। तनयूर वर डेवलप्ड आउट ऑफ मेजर ब्रह्मदेयास एंड टेम्पल सेटलमेंट्स। ओके, तनयूर जो है एक लैंड था जिसको डेवलप किया जाता था और ये पूरी ध्यान आपको रखना है। अब यहाँ पे एक स्पेशल टैक्स लगता था जिसको बोलते हैं एरीपट्टी। इस एरीपट्टी जो है ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ लैंड होती थी। देखो एरीपट्टी एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ लैंड होती थी। देखो होता क्या था, जो इस लैंड से रेवेन्यू आ रहा था ओके, उसको जो है विलेज टैंक को मेंटेन करने के लिए यूज करते थे। The revenue which used to get collected from Aripatti was used for maintenance of village tank। आपके विलेज के टैंक को मेंटेन करने के लिए इसका यूज किया जाता था। ठीक है जी। अब आर्ट की बात करें, देखो आर्ट के अंदर भी टर्मिनोलॉजीज आएंगी। सो थुडियम प्लेयर्स, अब ये थुड्डी करके एक स्मॉल परकुशन इंस्ट्रूमेंट होता है, थुडियम प्लेयर्स होते थे उस टाइम पे। परयन जो है हु बीट द मेलम। ओके, मेलम जो है एक फॉर्म ऑफ ड्रम होता था जिसको परायम जो है वो बजाते थे। एंड दे यूज टू परफॉर्म कोथू। कोथू यूज टू बी अ स्टेज ड्रामा, एक स्टेज ड्रामा होता था। फिर आप देखो मुझावन जो है यूज टू ब्लू इनटू मुझावू। मुझावू इज अ विंड इंस्ट्रूमेंट। मुझावू आपका विंड इंस्ट्रूमेंट होता था जिसको मुजायम जो है वो आके बजाते थे। ओके, ये पता लग गया। अब आप आगे देखिए, कदम्बम Who beat a large bass like drum। अब ये कदम्बम जो है वो बड़े ड्रम को बजाया करते थे। The kadamperai and below a long bamboo kuzhal। देखो वो जो बड़ा ड्रम था उसको बोलते थे कदम्पराई। ओके, और एक बहुत लंबा बैम्बू जो है उसको भी ब्लू किया जाता था जिसको बोलते थे खुजल। The name which was used was खुजल। उसको खुजल जो है टर्म था उसका। ठीक है जी, ये पता लग गया। पानम Who sang song in all pan tunes। पानम जो थे वो गाना गाने वाले होते थे। टुगेदर विद पोएट्स, पोएट्स को बोलते थे पुलावर। और एकेडमिक स्कॉलर्स जो होते थे उनके लिए टर्म यूज होती थी संदरूर। ओके, एकेडमिक स्कॉलर्स के लिए आप क्या टर्म यूज करते थे उस टाइम पे? संदरूर। ठीक है ना, वो भी यहाँ पे पार्ट लेते थे आर्ट एंड कल्चर के अंदर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, वो भी टर्मिनोलॉजी बेस्ड है और हमें सीखने को मिलेगा यहाँ से। सो विद रेफरेंस टू द संगम एज पन्नार एंड विलयर वर। कौन थे ये? पन्नार और विलयर। ओके, तो चार ऑप्शन है, टेम्पल गार्ड, बुल फाइटर, सिंगिंग बार्ड्स और चैरिटी डोनर्स। तो देखो ये जो है बेसिकली आपके पोएट्री, म्यूजिक, डांसिंग का काम करते थे, सिंगिंग विंगिंग से रिलेटेड होता था। ठीक है ना। सो रॉयल कोर्ट्स वर क्राउडेड विद सिंगिंग बार्ड्स कॉल्ड पन्नार एंड वर विरलियर। ओके, इनको जो सिंगिंग बार्ड होते थे इनको बोलते थे पन्नार और विरलियर। ओके, ये टर्म यूज करते थे। डांसिंग वॉज परफॉर्म्ड बाय कनिगैयार। ओके, कनिगैयार जो है ये डांसिंग यहाँ पे करते थे। ठीक है। कोथू की अगर आप बात करो, इसको परफॉर्म किया जाता था। ठीक है जी, ये पता लग गया। मोहित राइट आंसर। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ इन एंशियंट सदर्न इंडिया खडाईसियार एंड आदिमई वर यूज टू रेफर टू। अब खडाईसियार और आदिमई क्या होते थे? देखो ये पता होनी चाहिए ये चीजें। ठीक है ना। नाउ सोसाइटी वॉज सेग्रीगेटेड इवन इन एंशियंट इंडिया। देयर वर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन मोस्ट विलेजेस। ओके, सो इन तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन एज विलालार्स, ऑर्डिनरी प्लोमैन वर नोन एज उझावर्स, एंड लैंडलेस लेबरर्स इंक्लूडिंग स्लेव्स वर नोन एज खड़ईसियार और आदिमई। तो ये बेसिकली आपके लैंडलेस लेबरर्स और स्लेव्स के लिए यूज करते थे। ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन हो गया बी आंसर। तो ये कुछ टर्म्स याद करनी। अच्छा, ये तो क्वेश्चन में मैंने डाल दिया। अब इसके अलावा जो ये आपको पता लगी हैं कि जो लार्ज लैंड ओनर्स थे वो थे आपके विलालार्स। ओके, ऑर्डिनरी प्लोमैन जो थे उनको बोलते थे उजावर। ये भी एडिशनल टर्म्स आपको याद रखनी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये चीज़ें हमें ऐसे ध्यान रखनी होती हैं। ओके, सो फर्दर अब आप इस टर्म को देखिए, वनावरम्बम और वनावन, कुट्टुवन, इरुम्पोरई, विल्लावर, These were famous titles assumed by, अब ये वनावरम्बम, वनावम, कुट्टुवम, इरुम्पुरई, विलावर, ये कौन टाइटल लेते थे ये। सो बेसिकली ये जो है आपके चेरा किंग्स जो हैं इस टाइप के टाइटल लिया करते थे। अच्छा, चेरा का तो मैंने क्वेश्चन में डाल दिया। अब अगर मैं बाकी जो आपके चोलाज हैं और पांड्याज हैं उन्होंने भी तो कुछ टाइटल लिए होंगे, वो भी आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। सो चेराज के तो ये हैं वी वाले, देखो वनावरम्बम, वनम वन, विलावर, इरुम्पुरई, कुट्टुवन, ओके ये पता लग गया। अब चोलाज की बात करते हैं, ये टाइटल लेते थे सैनी, वलवन, किल्ली। अब देखो कंफ्यूज मत हो ना इसके अंदर, जो ये वलवन है ना ये चोलाज ने लिया हुआ है, ठीक है ना। वनावन अलग है और वलवन अलग है, ठीक है। पांड्या किंग जो टाइटल लेते थे वो लेते थे थेनावर और मिन्नावर। पांड्या किंग्स दे यूज टू टेक टाइटल्स थेनावर एंड मिन्नावर, ओके ये याद हो गया। नाउ ईच ऑफ द संगम डायनेस्टी हैड अ रॉयल एम्बलम। पांड्याज का रॉयल एम्बलम क्या था? काप। टाइगर किसका रॉयल एम्बलम था? चोलाज का। बो किसका रॉयल एम्बलम था? चेराज का। ये रॉयल एम्बलम जैसी चीज भी आपको याद रखनी है। इट इज वेरी अनलाइकली कि एक उसमें पूछेंगे, लेकिन मैच द फॉलोइंग करके यूपीएससी कुछ पूछ सकता है। आपको क्या इंफॉर्मेशन क्या काम आ जाए कुछ पता नहीं, मतलब आप अनसर्टेनिटी के लिए प्रिपेयर रहो। सो इन इंडियन लिटरेचर मुच्छंगम, मुच्छंगम क्या है अब ये आपको बताना है, देखो ठीक है ना। मुच्छंगम क्या होते थे अब ये आपने पढ़ा है तभी आप इसका आंसर दोगे। सो बी इसका आंसर है। सो संगम एज कॉन्स्टिट्यूट्स एन इंपॉर्टेंट चैप्टर इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू तमिल लेजेंड देयर एग्जिस्टेड 3 संगम्स, 3 संगम एग्जिस्ट करते थे, ओके, इन एंशियंट तमिलनाडु प्रॉपरली कॉल्ड मुच्छंगम। जो ये संगम थे ना अलग अलग, इनको जो है मुच्छंगम बोला जाता था, ठीक है। जो संगम ऑर्गेनाइज किए गए थे इनको बोलते थे मुच्छंगम। दीज संगम्स फ्लरिश्ड अंडर द रॉयल पैट्रोनेज ऑफ पांड्याज। सो पांड्याज के अंडर जो है ये फ्लरिश कर रहे थे। अब ये पता लग रहा है आपको, चोलाज के और चेराज के अंडर नहीं थे, पांड्याज के अंदर फ्लरिश कर रहे थे। सो फर्स्ट संगम वॉज हेल्ड एट मदुरई, वॉज अटेंडेड बाय गॉड्स एंड लेजेंडरी सेजेस, काफी लोग आए थे इसके अंदर। सेकेंड संगम वॉज हेल्ड एट कदब कपाड़पुरम, ओके कपाड़पुरम के अंदर जो है ये सेकंड संगम आता है। सो ऑल द लिटरेरी वर्क्स रिलेटेड टू इट हैड पेरिश्ड एक्सेप्ट तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम जो है अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। और कडमपुरम, कपाड़पुरम के अंदर ये बनाया गया था, ठीक है जी। पता लग गया, पहला संगम हुआ था आपका मदुरई में, दूसरा हुआ था कपाड़पुरम में, ठीक है। और थर्ड जो संगम था वो मदुरई के अंदर हुआ था, फाउंडेड बाय मुड़ा थिरुमरन, ओके। थर्ड संगम दोबारा आपका मदुरई में होता है और इसको फाउंड करने वाले कौन थे? मुड़ा थिरुमरन, मुड़ा थिरुमरन, ये नाम याद रखना है, ठीक है ना, मुड़ा थिरुमरन। तीसरा संगम भी यही हुआ था। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको बोलते हैं एम पेरंकुलु, ओके एम पेरंकुलु। नाउ दिस हैज बीन मेंशन्ड इन शीलापाधिकरण। शीलापाधिकरण एक बहुत बढ़िया एक संगम क्रिएशन है, उसी टाइम का एक तरीके से काव्य आप बोल सकते हो। और एम पिरुम पिरनकुलु, एम पिरुंकुलु जो है ये इसके अंदर मेंशन्ड है। आपको बताना ये है क्या। सो देखो सिंपल सी बात है, शीलापाधिकरण रेफर्स टू द 2 टाइप्स ऑफ काउंसिल, की 2 टाइप की काउंसिल होती थी, एम पेरुंकुलु और एम परायम, ओके। 2 टाइप की काउंसिल होती थी, एम पेरुंकुलु और एन परायम। एंड एम पुरुकुलु और काउंसिल ऑफ 5 मेंबर्स वॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो एम पुरुंकुलु जो थी वो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, ठीक है जी। अब थीन एम परायम और ग्रेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड 8 मेंबर्स। तो परायम बेसिकली असेंबली और थीन एम परायम इसका नाम है और इसके अंदर 8 मेंबर होते थे। एंड दिस वर्कड एज द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द स्टेट। दीज 2 assemblies, that of 5 and that of 8 functionaries as a administrative bodies, though their function was generally advisory in character. नो डाउट ये एडवाइस के लिए यूज होता था, लेकिन मेजर रोल प्ले करते थे ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। सो अब आपको पता लग गया एम पेरुंकुलु और एन पेरेयम ये है क्या चीज, ठीक है ना। आप पेपर में अगर आ जाए तो कंफ्यूज मत करना, सही आपको पता लग गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और असेंबली के रूप में होता था। Their important function was judicial, though the M. Purunkulu seems to have been solely in charge, as it is described by Madurai Kanji। Madurai Kanji ने ये बताया है ठीक है, थोड़ा बहुत जुडिशियल फंक्शन भी करते थे वो, ठीक है जी। और ये आपको पूरी कहानी पता लग गई। नाउ ethos of Indian administration has been in direction of limited or popular monarchy, okay, limited और popular monarchy उस टाइम पे भी होती थी। king को counter किया जाता था, absolute king नहीं करता था जो मन में आ रहा मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता था, okay। अब अवई और मनरम आर द टर्म्स यूज्ड फॉर यूनिट इन संगम वर्क। अब ये यूनिट है लैंड के, अवई और मनरम ये यूज होते थे संगम एज के अंदर। नाउ अब आप ये देखिए, सच असेंबली इज कॉमनली रेफर टू एज अरन कुरावयम विच वर नोन फॉर इट्स जस्ट डिसीजन, ओके। अरन कुरावयम जो है ये भी एक असेंबली थी और वो जुडिशियल फंक्शन करते थे। देखो जस्ट उसके लिए डिसीजन के लिए जाने जाते थे, तो मतलब अरन कुरावयम भी बोलते थे और आप इसको मॉडर्न पंचायत के साथ भी यूज कर सकते हो, ओके, वहां रेफर कर सकते हो। सो ये आपको पता लगे, ये टर्म्स आप देख लेना एक बार, ठीक है ना। अनदर टर्म इज अंथानर और थुथर्स। अंथानर्स और थुथर्स ये क्या थे संगम लिटरेचर के अंदर। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो। इंपीरियल कोर्ट और अवई वॉज अटेंडेड बाय नंबर ऑफ चीफ्स एंड ऑफिशियल्स। King was assisted by a large body of officials who were divided into 5 councils. They were ministers, जिसको बोलते थे amateur, priest, वो थे अंथानर्स, military commanders, वो सेनापति होते थे, envoys जो होते थे वो होते थे थुथर, okay? और spies जो होते थे वो थे ओरार। अब यहाँ आपको पता लग गया कौन क्या क्या है। देखो अंथानर जो थे वो थे आपके priest और envoys जो होते थे वो थे थुथर, अपने दूत जिसको बोलते हैं, जो आपके एक तरीके से रिप्रेजेंटेटर्स होते हैं दूसरे देशों में। तो ये पूरी कहानी आपको समझनी है, इस तरीके से इस आंसर को करना है। सो ए इज द राइट आंसर। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टर्म विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया, मासाथुवन वर। मासाथुवन क्या होते थे एंशिएंट इंडिया के टाइम पे, अब ये पता होनी चाहिए। देखो अगर आपने पढ़ा है तो सही आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है जी। सो मेनली रिच मर्चेंट्स को मासाथुवन बोलते थे। अब ये इसका पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, इसको देखेंगे। सो फ्रॉम 6th century BC लैंड एंड रिवर रूट्स क्रिस क्रॉस्ड, और लैंड और रिवर रूट्स के ऊपर चीजें जाती थी। नहीं, ये रिच मर्चेंट्स नहीं है आपके, ठीक है ना। रिच मर्चेंट्स के उसमें भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। रिच मर्चेंट्स के उसमें यूज करेंगे, कैसे करेंगे देखेंगे अभी। So there were seafarers whose ventures were risky but highly profitable. अब ये जो seafarers होते थे ये किसी के बिहाफ पे जाते थे, okay? ये किसी के बिहाफ पे जाते थे। Successful merchants designated as Masathuvan in Tamil and Setis and Sathavahas in Prakrit, okay? अब ये बेसिकली रिच मर्चेंट्स थे, या फिर आप ये बोल के चलो जो रिस्क लेने के काम करते थे ट्रेड के लिए। अब देखो रिस्क क्या होता था उस टाइम पे, आपके पास कोई कंपस नहीं होता था, आप मॉनसून के अकॉर्डिंग अपना शिप चलाते थे, तो ये आपके रिस्क पे होता था। और उस टाइम पे आपको पता भी नहीं होती थी कि अफ्रीका की कोस्ट पे आप पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, या वहां से यूरोप पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, पहुंचोगे तो कैसे पहुंचोगे, तो एक रिस्क होता था, सीफेयरर्स होते थे। सो कुछ सक्सेसफुल मर्चेंट्स जो हैं जिनको मासाथुवन बोलते थे, वो लोग ये काम किया करते थे, ठीक है ना, और वो रिच हो सके, ओके। सो मासाथुवन वर आपके रिच मर्चेंट्स, ठीक है जी, ये पता लग गया। वाइड रेंज ऑफ गुड्स वर कैरिड, एक प्लेस से दूसरे प्लेस बहुत सारी चीजें लेके जाते थे। सॉल्ट, ग्रेन, क्लोथ, मेटल ओर्स, फिनिश प्रोडक्ट्स, स्टोन भी जाता था, टिम्बर भी जाता था, मेडिसिनल प्लांट भी जाता था, ये सब चीजें जाती थी। स्पाइसिस की अगर हम बात करो, पेपर खासकर काली मिर्च लेके जाए जाते थे, रोम के अंदर बहुत डिमांड थी इंडियन काली मिर्च की। और आप जो है टेक्सटाइल और मेडिसिनल प्लांट लेके जा रहे हो, ये सारी चीजें वहां पे ली जाई जाती थी। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है ना। ये देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट वॉज इन न्यूज। अब ये न्यूज में था, जरा बताओ मेरे को इसका आंसर क्या होगा। दिस वॉज इन न्यूज, बताइए इसका आंसर क्या होगा, ओके। बहुत ईजी है ये करना, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप ये टर्म याद कर लो, आप इस टर्म को कभी भूलो मत, ओके। In the ancient Sangam literature, the sport has been called as Yeru Thazuvuthal. Okay, Yeru Thazuvuthal जो है ये term use करते थे किसी sports के लिए, sports activity होती थी ये। तब आपको बताना है किस sports activity के लिए ये करते थे। Animal rights controversy भी हुई थी बहुत बड़ी, okay? तो ये आप जल्दी से जल्दी इसका answer दीजिए मुझे, ठीक है ना। Ancient Sangam literature में Yeru थजुवल, ठीक है, इसका सही आंसर है जलीकट्टू। जलीकट्टू को ये टर्म यूज करते थे, येरू थजुवल। ओके, सो ये टर्म हम यूज करते थे। तो इसकी पूरी कहानी है ये। जलीकट्टू इज अ बुल टेमिंग, ठीक है, पट्टू पोंगल के टाइम इसे किया जाता है। एंड जलीकट हैज बिन डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड्स कली मीन्स क्वाइन, कट मीन्स टाई। तो किया क्या जाता था, आपके बैल के ऊपर सिक्के बांध के उसे भगा दिया जाता था और उसका नाम था येरू थजुवुथल। ओके, ये इसका पॉपुलर नाम था। एंड रिसेंटली इट वाज इन न्यूज़, बहुत सारे रीजंस को लेके ये न्यूज़ में आया था। और फंडामेंटल ड्यूटी भी आपके लिए यहाँ पे बोली गई है कि यू हैव टू मेंटेन कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल। फर्दर आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ विच प्रोहिबिट्स एनी डिस्टर्बेंस टू द एनवायरमेंट इंक्लूडिंग एनिमल्स। उनकी राइट टू लाइफ भी इन्होंने बोली है यहाँ पे। सो ये डिबेट चल रही है इंडिया के अंदर, इसीलिए ये न्यूज़ में था। एंड यू हैव टू कवर ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो दिस वॉज योर सेशन फॉर संगम लिटरेचर। Tomorrow or day after tomorrow we are going to come up with new sessions, Gupta age and all. So please do comment whether you want live sessions or recorded sessions. Okay, so I can, you know, conduct both of them. It's equal thing for me. So it is as per your convenience. In your live session we can interact while, you know, continuing this particular session. Okay, so aap jo hai aise iske kar sakte ho. So that's it. Thank you very much.